देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फोर डिजिट नेचुरल नंबर्स नेट नॉट एक्सीडिंग 4321, इससे बड़ा नहीं चाहिए, यानी कि ये भी हो सकता है या इससे छोटा हो। कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 इफ द डिजिट्स कैन रिपीट, यानी कि अगर डिजिट रिपीट करता हो तब कैसे कितने नंबर। तो अगर हम लोग ये कंडीशन ना लें कि इससे बड़ा ना हो, ऐसा कुछ कंडीशन ना लें, तो अगर हम लोग देखें और डिजिट रिपीट होते हो तो हम लोग जानते हैं कि 1000 प्लेस पर इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए 4 बेस हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ना लें कि इससे बड़ा हमें नहीं चाहिए, रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ के लिए भी 4 बेस, फिर 4 बेस और 4 बेस। हम लोग ये कंडीशन ना देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, तो 4 × 4 × 4 × 4 यह जाएगा 256। लेकिन आपके पास क्या आ रहा है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए नंबर। तो आप समझिए, अगर आप इस 1000 वाले प्लेस पर 4 रखते हैं और इस प्लेस पर 3 या 4 में से कोई भी आ जाता है, 3 और 4 में से कोई भी आ जाता है, आप समझिए, यहां पे इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए इस वाले प्लेस पे आप 4 फिक्स कर दिए, ठीक है, अच्छा, और ये 100th वाले प्लेस पे आप 3 और 4 में से कोई ले लो, और फिर अगर इसके बाद मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ, तो ये डिजिट से ग्रेटर हो जाएगा, या मैं यहाँ 2 और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो भी ग्रेटर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 4 मैं 3 लिख देता हूँ तो भी ग्रेटर हो जाएगा, 4, 1 लिख देता हूँ तो भी ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे हमें कुछ डिजिट मिलेंगे कि अगर आप 100,000 प्लेस पे 4 रख दें और यहाँ पर आप 100 वाले प्लेस पे 3 और 4 लिखेंगे तो सभी के सभी ग्रेटर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ 3 और 3 रखने पर लेस देन भी हो जाएंगे, उनके भी बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कर लें कि सपोज द 1000th डिजिट बी 4 एंड 100th डिजिट इज 3 और 4 3 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, समझिए। आप देखो यहां पर 4 बॉक्सेस बना लेते हैं समझने के लिए। जब यहां पर आपने 4 फिक्स कर दिया तो इसके लिए तो 1 वे हो जाएगा, यही फिक्स हो गया, और यहाँ पे 3 और 4 कर रहे हैं तो इनके लिए 2 वेज हो जाएगा, और यहाँ के लिए क्या होगा, चारों में से कोई भी रख सकते हैं, 4 वेज, यहाँ भी 4 वेज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेज क्या जाएगा, 2 × 1 × 2 × 4 × 4, यानी 32 आ जाएगा, है ना जी, 32 वेज आ जाएगा। अब इसमें से भी अगर आप समझो, अगर यहां पे लिखें कि बट द नंबर्स मान लीजिए 4 रख दिए 1000 प्लेस पे और यहाँ पे 3 रख दिए और यहाँ 1 1 कर दिए, तो ये डिजिट तो आपका लिस्ट देन हो गया इसके कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, 4 रख दिए, 3 रख दिए और यहाँ 1 2 रख दिए, तो भी लेस देन हो गया 4 3 2 1 से। 4 रख दिए, 3 रख दिए और यहाँ पे 1 और 3 रख दिए, तो भी लेस देन हो जाएगा। 4 रख दिए, 3 रख दिए, 1 रख दिए और 4 रख दिए, तो भी लेस देन हो जाएगा। अच्छा, 4 रख दिए, 3 रख दिए और 2 1 रख दिए, ये भी आपका लेस देन होगा, ये 5 गो लेस देन हो गया। लेस देन और इक्वल टू 4 3 2 1, उससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे लेस देन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
दस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ वेज वेज ऐसे कर देते हैं, नंबर नॉट नंबर नॉट एक्सीडिंग, ये ना पूछ रहा था कि नंबर जो होना चाहिए वो 4321 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, एक्सीडिंग 4321 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो पहले आया था 256 और माइनस कर देंगे 32 को, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस 32 वाले नंबर्स में, इसमें ये 5 ऐसे नंबर है जो इसके इक्वल और लेस देन है, तो इसलिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 256 और माइनस क्या हो जाएगा 27, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 229, इतने नंबर्स हो जाएंगे। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 30।